हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल होम स्टडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। किसको? क्वेश्चन नंबर 7 को। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना है, समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए क्या है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए, यानी रैखिक समीकरण के युग्म दिया हुआ है हमको, उसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से हल करना है इसको, क्योंकि VVI क्वेश्चन है। अब देखिए, हम पहला लिख दिए हैं जो कि है px plus qy equal to p minus q और qx minus py equal to p plus q, जो कि आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको पहले समीकरण एक मान लेते हैं और इसको समीकरण दो, ठीक है। अब देखिए, मेरा जैसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करते थे, तो मेरा टारगेट क्या रहता था, किसी एक चर को बराबर करने का। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बराबर करते हैं, तो यहाँ क्या है, क्यू है, यहाँ पी है, वाई तो दोनों में है, लेकिन क्या है, क्यू है और पी है। अगर हम इसको पी से इसको क्यू से गुना कर दें, तब तो पी क्यू हो जाएगा। देखिए, हम क्या करेंगे, समीकरण एक को पी से तथा समीकरण दो को क्यू से गुना करके देखिए क्या करेंगे, प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो अपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर गुना करके जोड़ने पर। तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, P है यहाँ पे, ये पूरा इक्वेशन को किससे गुना कर रहे हैं, P से, तो पी एक्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी स्क्वायर एक्स, क्या कि पी से गुना कर रहे हैं, प्लस इसको P से गुना करेंगे, पी क्यू एक्स हो जाएगा, क्या कि क्यू पी क्यू वाई हो जाएगा, क्या कि क्यू वाई पहले से था, P से गुना कर दिए। अब देखिए, अगर हम इसको P से गुना करें इसको, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको पी से गुना करें, पी क्यू हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत? आगे देखिए, इसको कर रहे हैं क्यू से, समीकरण दो को किससे कर रहे हैं, क्यू से गुना करने पर, तो इसको देखिए हम क्यू से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी है, और क्यू से गुना कर रहे हैं तो क्यू भी आ जाएगा, पी क्यू वाई इक्वल टू, इसको किससे कर रहे हैं, पी क्यू से, पी है क्यू से कर रहे हैं, पी क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू है तो क्यू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, क्या कि क्यू से गुना कर रहे हैं समीकरण दो को। अब देखिए, हम घटा रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, क्या कि मेरा साइन क्या है, अपोजिट में है, तो हम जोड़ेंगे तो मेरा साइन चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए, ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू है और माइनस पी क्यू है, कैंसिल। अब बचा यहाँ पे क्या, एक्स, अगर ये दोनों में एक्स कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, ये दोनों तो प्लस में है, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए मेरा इधर क्या है, इधर है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है, और इसका क्या है, प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर। साइन चेंज काहे नहीं हुआ, क्या कि हम जोड़ रहे हैं, जब भी जोड़ेंगे तो मेरा साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या लिख दिए, दोनों को अरेंज करके लिख दिए, यानी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पी क्यू कैंसिल हो रहा है, बच गया क्या मेरा, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए, यह दोनों मेरा इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं ना, एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड में वही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब बड़ा पी लिखिएगा, ठीक। अब देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, बच गया क्या, एक्स इक्वल टू मेरा आ गया वन। अब यही एक्स का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण एक में मन करें उसमें रखिए, समीकरण दो में मन करें उसमें रखिए। तो चलिए हम समीकरण एक में रखते हैं, यानी लिखेंगे किसका मान आया, एक्स का, तो एक्स का मान समीकरण एक में
रखने पर। समीकरण एक देखिए क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। एक्स का वैल्यू मेरा आया है वन, यानी पी इंटू वन पी हो जाएगा सिर्फ, प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब देखिए पी जब अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, अब माइनस का पी हो जाएगा। देखिए पी को हम अपोजिट साइड ले गए तो माइनस का माइनस पी और यहाँ प्लस पी कैंसिल, यानी क्यू वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का क्यू। तो वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू अपॉन में क्यू, क्या कि यहाँ मल्टीप्लाई में क्यू था, अब क्या हो गया डिवाइड में हो गया। यहाँ से देखिए मेरा क्यू क्यू कैंसिल हो गया तो वाई का वैल्यू क्या आ गया मेरा, माइनस का एक। अब देखिए एक्स का भी हमको मान मिल गया कितना, वन, और वाई का भी मान मिल गया माइनस एक, ठीक है, जो कि आंसर है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान तरीके से, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन आखिर क्या मांग रहा है, उसको क्या देना है, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इसका क्या है। देखिए अब सेकंड जो है, सेकंड क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू वन प्लस सी, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस में है, यहाँ पे सिर्फ सी नहीं है, यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इसको हम किससे करेंगे, वज्रगुणन विधि से करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। वज्रगुणन विधि में क्या होता, ए वन बी वन ए टू बी टू ये सब निकालना होता था, और सी वन सी टू भी निकालना होता था। तो यहाँ पे देखिए ए स्मॉल में दिया हुआ है, अगर हम कैपिटल में निकालें ए वन और ए टू, बी वन बी टू सी वन सी टू, देखिए मेरा वैल्यू क्या आएगा। ए वन का वैल्यू कितना है ए, बी ए टू का वैल्यू बी, बी वन बी, बी टू ए। अब यहाँ पर देखिएगा अगर ये सी अपोजिट साइड ले जाएंगे, यही नहीं होता था मेरा ए वन एक्स प्लस बी टू वाई, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, यानी सी वन क्या रहता था जीरो के अपोजिट साइड में इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी अपोजिट साइड चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस का सी, ठीक है ना। तो सी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस सी, सी टू का उसी प्रकार माइनस वन, क्योंकि वन भी अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस वन, सी प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस का सी, ठीक है। तो अब इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे, वज्रगुणन विधि से। इसको कैपिटल में हम इसलिए लिखे क्या है कि यहाँ पे क्या है सब स्मॉल में दिया हुआ है। अब देखिए मेरा वज्रगुणन विधि क्या होता है, एक्स वाई और वन लेते थे ये, ठीक है। अब देखिए फार्मूला हम कुछ बताए थे, वो बताए थे क्या, बी सी सी ए ए बी बारह इक्कीस बारह इक्कीस बारह इक्कीस, तो उसी को अप्लाई कर देते हैं, यानी बी सी बी सी सी ए और ए बी। अब देखिए बारह इक्कीस लगा देंगे एक्स बी वन सी टू, तो देखिए यहां पे आपको वैल्यू सब मिल रहा होगा, बी वन बी तो बी इंटू क्या हो जाएगा सी टू, सी टू का वैल्यू है माइनस वन माइनस सी माइनस बी टू सी वन, देखिएगा बी टू यानी ए इंटू सी वन माइनस सी। चलिए एक्स का काम खत्म, अब वाई का सी वन ए टू, तो सी वन है माइनस का सी, ए टू बी माइनस सी टू ए वन, सी टू ए वन तो सी टू है माइनस वन माइनस सी और ए वन ए, चलिए और वन ए वन बी टू, ए वन बी टू यानी ए इंटू ए और ए टू बी वन यानी बी इंटू बी, बी इंटू में बी। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ध्यान से, एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा माइनस बी, और फिर इसके साथ होगा तो माइनस बी सी माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस
ए सी हो जाएगा, क्या कि ए इंटू सी ए सी। आगे देखिए वाई, वाई का क्या हो जाएगा माइनस सी बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें पहले, देखिए हम जैसे इसको स्टेप को शॉर्ट करते हैं, इसको अगर पहले मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस सी ए, ये नहीं हो जाएगा, या फिर ए सी इसको बोल सकते हैं माइनस ए सी, माइनस ए माइनस ए सी। और जब इसको हम इससे माइनस से गुना करेंगे, देखिए इसको जब माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए और प्लस ए सी, यही हो जाएगा। तो यही टर्म को डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, प्लस ए प्लस ए सी, यानी प्लस ए प्लस ए सी। आगे देखिए इक्वल टू वन बाय ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर बी इंटू बी, यानी बी स्क्वायर। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अब देखिए हम क्या करेंगे, सी वाला टर्म को एक साइड करेंगे, इसमें भी सी वाला टर्म है, यानी क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में क्या लिख सकते हैं ए सी, क्या कि प्लस में है तो ए सी माइनस बी सी लिख दिए, माइनस का बी इक्वल टू वाई, वाई का क्या लिख सकते हैं, देखिए ए सी यहाँ प्लस में है तो इसमें भी ए सी माइनस सी बी प्लस ए। वन का, वन का क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अब देखिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाला पार्ट को मिटा देते हैं, ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं ऊपर वाला पार्ट को। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें भी ए सी है यहाँ भी सी है, देखिए सी है सी है, इधर हम सी क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, आपको यहाँ से नोट करना है, यानी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, अगर सी हम कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, क्या कि सी कॉमन आ गया तो ए माइनस बी, बाहर में माइनस बी है इसको बाहर में ही रहने देते हैं, घर में नहीं करेंगे। आगे देखिए इक्वल टू बी बटे ए सी, इसमें भी क्या कॉमन ले लेंगे, सी को कॉमन ले लेते हैं, देखिए सी को हम कॉमन ले लिए, क्या बच गया मेरा ए माइनस बी, ए माइनस बी, जो कि देखिए इससे भी सी आ गया इससे भी सी कॉमन आ गया, बच गया ए माइनस बी, अब बाहर में है प्लस ए, प्लस ए। वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, इसको और इसको बराबर करना है, किसको किसको, इसको और इसको, एक बार इसको इसको, तो यानी एक्स बटे में क्या हो जाएगा सी ए माइनस बी माइनस बी, इसके साथ बराबर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सी ए माइनस बी बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला पार्ट को अब हटा देते हैं, क्योंकि नीचे वाला से हम स्टेप ऊपर बढ़ा दिए ना, तो अब नीचे वाला का काम नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम इसको तोड़ें, इसको अगर हम तोड़ें तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, यही होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए अगर हम इसको अलग अलग अरेंज करेंगे, सी ए माइनस बी और ए प्लस बी, जब इसके साथ ही अलग अलग होगा, देखिए हम एक स्टेप यहाँ पे समझा देते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है, या फिर बाद में भी माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब बी से भी इसको डिवाइड करेंगे तो बी से डिवाइड करेंगे तो सेम इसका रन देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसी को हम इससे भी डिवाइड दिए, इसको इससे भी डिवाइड दिए, दोनों को डिवाइड दे दिए किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसमें तोड़ दिए, क्या कि इसमें इसका कटने वाला है लेकिन इसमें कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको नहीं तोड़े हम, इसको दोनों में डिवाइड दे दिए, ई वाला टर्म को भी डिवाइड दे दिया और ई वाला टर्म को भी बी को भी इससे डिवाइड दे दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू मेरा आ जाएगा सी बटे में ए प्लस बी माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही मेरा आंसर है। अब इसी तरह वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए वाई इक्वल वाई बटे सी ए माइनस बी प्लस ए वन बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी जस्ट उसी तरह, यानी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा सी ए माइनस बी प्लस ए बटे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए जब इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा और वो दोनों में डिवाइड होगा इसमें भी और इसमें भी, यानी सी बटे माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी कट जाएगा आपस में, यानी बच जाएगा सिर्फ ए प्लस बी। इसमें जब डिवाइड देंगे तो माइनस नहीं प्लस है और ए अपॉन में, इसमें डिवाइड देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रह जाएगा। समझ में आया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इधर जब डिवाइड दिए तो मेरा ऊपर में भी ए माइनस बी था तो ए माइनस बी कट के इसी तरह हो जाएगा, जो कि हम देखिए इसको तोड़ के यहाँ लिखे थे, तो इसको भी अगर हम तोड़ के यहाँ लिखते तो फिर कट जाता आपस में, तो वही बराबर आ जाता, यानी यही मेरा आंसर है। ठीक, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसको यहाँ तक भी ला के छोड़ सकते हैं, या नहीं तो आप इस स्टेप में देखिए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका ये भी हुआ, जो कि बुक में आंसर यहीं तक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक स्टेप करके छोड़ें कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी मेरा आंसर सही है। ठीक है ना, आगे अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है। अब देखिए थर्ड जो है, थर्ड क्या है, एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, मानने में क्या जाता है मेरा, मान लिए। अब क्या करना, देखिए हम समीकरण एक से करेंगे काम, समीकरण एक पे करेंगे, समीकरण एक से एक्स बटे ए, देखिए माइनस वाई बटे बी है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस वाई बटे बी लिख दिए। अब हम अगर हम एक्स को फ्री करेंगे, ठीक, किसको फ्री कर रहे हैं, एक्स को, तो क्या हो जाएगा, वाई बटे बी, और ए कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी वाई ए बटे बी। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत यहाँ तक, कौन विधि से सॉल्व कर रहे हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि से, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व किए विलोपन विधि से, सेकंड को वज्रगुणन विधि से, थर्ड को कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो देखिए अगर हम अब x का मान समीकरण दो में रखेंगे, यानी x का मान समीकरण दो में रखने पर, क्या कि जो हम x का वैल्यू निकाले किससे निकाले, समीकरण एक से निकाले, तो जब एक से निकाले तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम सेकंड में रखेंगे उसका वैल्यू, x का वैल्यू किस में रखेंगे, सेकंड में, यानी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है गिवन में, x का मान क्या आ गया मेरा, यानी a इंटू x का मान आया है y a बटे बी प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर वाई बटे में बी, ए ए मल्टीप्लाई में हो गया ए स्क्वायर वाई प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी बी इंटू बी, यानी यहाँ भी सेम आ जाएगा ए स्क्वायर और वाई ए स्क्वायर वाई प्लस वन को बीस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी बीस करना पड़ेगा, यानी बी स्क्वायर वाई यहाँ आ गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये बी क्या हो जाएगा इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो देखिए बी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी ए स्क्वायर प्लस प्लस वाई नहीं, ये सिर्फ वाई है, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये दोनों से वाई भी एक कॉमन ले लें, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई हम कॉमन ले लिए, क्या कि देखिए दोनों के पास वाई है, वाई कॉमन ले लिए, अब यहाँ बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बी और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा के टर्म के साथ ही बी मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वाई बराबर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म कट गया, बच गया वाई बराबर बी। अब यही वाई का मान किस में रखेंगे, समीकरण तीन में रखेंगे, यानी लिखेंगे वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर,
तीन देखिए क्या है मेरा, x इक्वल टू वाई ए बटे में b, जिसमें मेरा y का मान आ गया है b, तो b इंटू ए बटे b, यहाँ से b b कैंसिल, b b कैंसिल, b और b, ठीक है, b b नहीं b, ठीक। अब देखिए x का वैल्यू आ गया मेरा a और y का वैल्यू आ गया b, जो कि इतना ही था, इतना ही वैल्यू आपको निकालना था, ठीक है। तो आगे आप देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या है। देखिए फोर्थ, फोर्थ है मेरा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई में इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड। देखिए a प्लस बी और यहाँ x प्लस वाई, अगर a प्लस बी को पहले x से और y से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत, यानी देखिए समीकरण दो से लिखेंगे, समीकरण दो से a प्लस बी, एक बार इसके साथ x मल्टीप्लाई हो गया और फिर प्लस प्लस है, फिर a प्लस बी y के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक बार x के साथ a प्लस बी, एक बार y के साथ, इक्वल टू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको समीकरण तीन मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करना है, अब तो मेरा यहाँ ए प्लस बी वाई आ गया, यहाँ भी ए प्लस बी वाई है, प्लस में है, क्या करना है घटाना है, यानी लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण तीन को घटाने पर। तो देखिए जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, एक में घटा रहे हैं यानी a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, पहला इक्वेशन लिख दिए। तीसरा क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम काम क्या कर रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा हम क्या काम कर रहे हैं, घटाने का। तो जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक, यहाँ भी माइनस। अब देखिए ये टर्म तो मेरा पूरा कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे क्या, अगर हम देखिए यहाँ पे एक्स एक्स है, एक्स एक्स कॉमन ले लें, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसमें ये वाला पार्ट का घट जाएगा, यानी देखिए ए माइनस बी, ठीक है, क्या घटेगा, माइनस का ए प्लस बी। अब अगर माइनस को ब्रैकेट अंदर ले जाएंगे तो माइनस ए और इसके साथ भी हो जाएगा तो माइनस बी, ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। अब ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, बच गया इधर देखिए क्या, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसका नीचे वाला साइन लेना है यानी माइनस ए स्क्वायर, इसका भी नीचे वाला तो माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा होगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर, माइनस प्लस में कैंसिल, और कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू में माइनस बी माइनस बी माइनस टू बी, इधर देखिए माइनस टू ए बी और फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक है, अभी बटे नहीं होगा। अब देखिए जब हम x को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर बटे में क्या, माइनस टू बी, यहाँ तक समझने में किसी दिक्कत। अब देखिए क्या करना है आपको, अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x यहाँ पे है माइनस टू ए यहाँ पे भी है, माइनस टू बी यहाँ पे है, यहाँ भी टू बी माइनस में है, तो अगर हम माइनस टू बी कॉमन ले लें, माइनस टू बी कॉमन ले लिए, बच गया क्या यहाँ पे, देखिए सिर्फ ए बच गया, क्या कि टू बी बाहर चला गया, बी भी बाहर चला गया, माइनस भी बाहर चला गया, बच गया ए, यानी ए माइनस बचा, माइनस तो बाहर चला गया तो प्लस बचा ना, प्लस इसमें टू बी बाहर चला गया तो बी स्क्वायर था यानी दो बी था, एक बी बाहर चला गया, एक बी बच गया, ठीक है। अब माइनस टू बी से, टू बी से इसको क्या कर रहे थे, डिवाइड दे रहे थे, देखिए है ना, माइनस टू बी से डिवाइड।
अब यहाँ माइनस टू भी कैंसिल, यानी x का वैल्यू आ गया a प्लस बी, ठीक है, x का वैल्यू आ गया a प्लस बी। अब वही x का वैल्यू आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण एक या दो, तो चलिए रख के देखते हैं। अब देखिए यही x का मान किसी में भी रखेंगे, समीकरण एक या दो, तो आप जिसके में रखेंगे आंसर आ जाएगा। हम एक में रखते हैं, यानी x का मान क्या लिखेंगे, x का आपको यहां से नोट करना है मान समीकरण एक में रखने पर। देखिए एक मेरा क्या है, एक है a माइनस बी इंटू में x है, तो रखिए देते हैं एक ही बार, तो क्या आ गया a प्लस बी आ गया, इंटू में x था तो इंटू में a प्लस बी हो गया, प्लस a प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू नहीं है, प्लस ए प्लस बी इंटू में वाई, फिर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, इसको हम अपोजिट साइड ले जाएंगे, यानी ए प्लस बी इसको रहने दिए इधर, प्लस में था तो प्लस में, इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस में प्लस में, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया क्या है मेरे पास, यानी वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टू ए बी बटे में क्या, ए प्लस बी बटे में आ जाएगा, क्या इधर गुना में है, यानी ए प्लस बी जो कि आंसर है। वो एक्स का क्या आया था, हम इधर लिख देते हैं एक्स का वैल्यू वहाँ पे है, यानी ए प्लस बी, और वाई आ गया मेरा माइनस टू ए बी बटे में ए प्लस बी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं फिफ्थ को, फिफ्थ में क्या है। देखिए फिफ्थ जो सवाल है, फिफ्थ क्या है, 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, यानी बराबर माइनस 74। दूसरा इक्वेशन है माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604, ठीक। अब हमको इसका क्या करना है, आंसर लाना है, एक्स वाई का मान निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, इस दोनों समीकरण का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना, चीर फाड़ करेंगे ये दोनों समीकरण का। तो देखिए क्या करेंगे, अगर हम ये दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, यानी समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर ठीक है, हम जोड़ रहे हैं, तो जब जोड़ रहे हैं तो इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन, अपोजिट साइन ले लेते हैं, तो जो साइन रहता है वही साइन रहेगा, तो 152 और माइनस 378, तो देखिए 152 और माइनस 378 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, घटा देते हैं, यानी आ जाएगा 6 आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 8 में 2 गया 6, 7 में 5 2, और फिर 3 में 1 गया 2, यानी 226 आ रहा है, 216 नहीं 226 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस 226, एक्स है तो एक्स कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, यानी माइनस 378 माइनस 378 जोड़ 152, तो 152 में फिर 378 घटाएंगे तो वही चीज आएगा, माइनस में आ जाएगा 226, क्या वाई वाला टर्म है तो वाई। अब इसमें करना है इस काम, माइनस 74 और माइनस 604 दोनों समीकरण को जोड़ रहा है ना, तो साइन मेरा सेम ही रह जाएगा, माइनस 604, तो माइनस माइनस है आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा 448 678 माइनस 678। चलिए अब हम देखिए यहाँ से इक्वेशन एक निकालेंगे, माइनस 226 माइनस 226, अगर माइनस 226 हम कॉमन ले लें क्या बच जाएगा, एक्स
माइनस तो बाहर चला गया, बच गया प्लस में y इक्वल टू माइनस 678। अब देखिए x प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 678 बटे में माइनस 226। क्या ये कट रहा है आपस में, क्या दो तीन छः 26 तीन 78, यानी तीन बार में ये कट रहा है। तो x प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसको मान लेंगे तीन के बाद दो माने थे ना, तो ये हो जाएगा समीकरण 3। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। एक बार जोड़े, एक बार दोनों समीकरण को क्या किए जोड़े, अब एक बार घटा के देखते हैं क्या आता है मेरा। यानी लिखेंगे समीकरण, समीकरण दो में से एक को घटाते हैं, या फिर एक में भी दो को घटा सकते हैं, किसी को भी काम कर सकते हैं। दो में से एक को घटाने पर, दो में से एक को घटाने पर, तो देखिए मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू। दो मेरा क्या है माइनस में है, यानी माइनस 378 एक्स प्लस 152 वाई इक्वल टू 152, 15 लिख दिया सिर्फ, 152 वाई माइनस 604, और घटा रहे हैं क्या 152 एक्स माइनस 378 वाई इक्वल टू माइनस 74। तो जब हम घटाएंगे तो मेरा साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए मेरा क्या आंसर आएगा, देखिएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस ये तो कटने वाला नहीं है, कटने वाला कोई टर्म इसमें है ही नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आई भी माइनस में, यानी माइनस 378 माइनस 152, देखिए सॉल्व करके कितना आता है, माइनस 378 और माइनस 152, माइनस आ जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, 8 2 10 यानी 530, माइनस 530 आ जाएगा, तो माइनस 530 एक्स है तो एक्स प्लस प्लस दोनों प्लस साइन में है, प्लस हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, यानी 8 2 10 यहाँ भी 530 आ गया, वाई तो वाई इक्वल टू, अब देखिए माइनस 604 और प्लस 74, यानी माइनस 604 प्लस 74, 74 आगे लिखेंगे, 74 माइनस क्या आ जाएगा 604, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 035 माइनस में, यानी माइनस 530, तो माइनस 530 हो गया। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इससे भी एक मेरा इक्वेशन निकलेगा, जब जोड़े तो एक इक्वेशन मेरा निकला, घटा भी रहे हैं तो एक इक्वेशन मेरा इक्वेशन इससे निकलेगा। देखिए क्या निकलेगा, अगर हम यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले लें, माइनस 530 को कॉमन ले लें, चलिए माइनस 530 कॉमन आ गया, चलो बेटा बाहर आ जाओ। अब यहाँ देखिए 530 बाहर आ गया, एक्स बच गया यहाँ पे एक्स, माइनस ले लिए यहाँ से माइनस लिए तो क्या बच गया माइनस, तब ना माइनस माइनस मेरा अंदर जाएगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, जो कि यहाँ पे है वाई 530 तो बाहर आ गया था, इधर है माइनस 530, तो माइनस 530 इसको जैसे के तैसे लिख देंगे। अब देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 530 अब बटे में माइनस 530, इसको जब कटाएंगे तो एक आ जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक, एक इक्वेशन मेरा यहाँ निकला है देखिए तीन, तो इसको क्या मान लेंगे चार, ठीक है चार मान लिए। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ प्लस हुआ है यहाँ पे माइनस हुआ है, अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा वाई वाई खत्म, कहानी खत्म, तो क्या करेंगे जोड़ देते हैं, यानी समीकरण एक तथा एक नहीं है तीन है ना, तीन तथा चार को जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर क्या आता है मेरा वैल्यू, तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री और एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, जोड़ रहे हैं मेरा साइन चेंज नहीं होगा, ये तो टर्म कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स, थ्री प्लस वन फोर, तो एक्स का वैल्यू आ गया फोर बाय टू, एक्स का वैल्यू आ गया यानी टू टू जै फोर टू, एक्स का वैल्यू आ गया हमको टू मिल गया।
अब यही x का वैल्यू आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण तीन में रखिए या फिर चार में रखिए, ठीक है। तो हम किस में रखेंगे, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम इसको अब हटा देते हैं और x का मान रख देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक जरूर करें, ठीक है। अब देखिए x का मान हमको मिल गया है, तो x का मान किस में रख देंगे, तीन या चार, किसी में रखिए, तीन में ही रखते हैं। तीन में रखने पर, तीन में रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, थ्री। x का वैल्यू आ गया टू प्लस वाई इक्वल टू थ्री, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री, टू अपोजिट साइड यानी माइनस में, तो y का मान कितना आ गया, थ्री में से टू माइनस यानी वन, और x का तो अभी आया था x इक्वल टू टू। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रह देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।